बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इस अल्सर ब्लैडर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस एल्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ दो ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, और अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो हम नेस्टिंग या इफ एल्सिव लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ऑप्शंस ही दिखने में और लिखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए सी आपको स्विच के नाम से एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, ये स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखिए। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, यानी जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हों और उन ऑप्शंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़े तो स्विच इसके लिए सबसे कारामद स्ट्रक्चर है। और ये दोस्तों, इसका सिंटैक्स देखिए। दोस्तों, यहाँ तीन कीवर्ड्स यूज हुए हैं, स्विच, केस एंड डिफॉल्ट। और जिस तरह इसके कीवर्ड के बाद हम कोई कंडीशन लगाते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स की सूरत में आता है, बिल्कुल ऐसे ही हम स्विच के बाद हम कंडीशन के बजाय एक्सप्रेशन देंगे और उस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने पर हमें एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर मिलेगी। और वो सिंगल वैल्यू किसी वेरिएबल में भी स्टोर हो सकती है, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे केसेस, यानी आप केस लिखेंगे, केस के आगे कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट लिखने के बाद कोलन लगाएंगे और कोलन के बाद वो स्टेटमेंट्स देंगे जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है। और दोस्तों, जितने ऑल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद होंगे उतने ही केसेस आप बनाएंगे, और आखिर में आप डिफॉल्ट के कीवर्ड को यूज करेंगे। डिफॉल्ट के बाद आप कोलन लिखेंगे, कोलन के बाद आपको डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है आप वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे और इन कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि इफ सिंटैक्स, लेकिन ये स्विच काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही कंट्रोल स्विच कीवर्ड पर आएगा तो वो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को देखेगा और फिर उस केस पर जंप करेगा जिसके आगे लिखा कांस्टेंट वही होगा जो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर एक्सप्रेशन की वैल्यू है 3, तो अब कंट्रोल डायरेक्ट केस 3 पर जंप करेगा, क्योंकि यही वो केस है जिसके कांस्टेंट की वैल्यू स्विच के एक्सप्रेशन वैल्यू से मैच कर गई है। अब ये सिर्फ इस केस 3 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और वो स्टेटमेंट्स सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। यानी क्योंकि यहाँ 3 लिखा है तो ये डायरेक्ट इस केस 3 पर जंप करेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच कर गई है, और सिर्फ ये इस स्टेटमेंट्स को ही एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि जो केस 3 के अंडर में आती है। लेकिन दोस्तों, मान ले अगर इस स्विच की एक्सप्रेशन वैल्यू है 5, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो यहाँ किसी भी केस में ऐसी कोई कांस्टेंट ही नहीं है, ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यू मौजूद ही नहीं है जिसकी वैल्यू 5 है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रही होती, तो फिर डिफॉल्ट में जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी डिफॉल्ट तभी चलेगा जब कोई भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो स्विच स्ट्रक्चर है ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस थर्ड वाले केस के कांस्टेंट से मैच कर गया, तो अब थर्ड केस का कोड तो चलेगा ही, साथ के साथ फोर्थ और डिफॉल्ट का कोड भी रन होगा। इसी तरह अगर मान लें कि पहले केस का कांस्टेंट ही एक्सप्रेशन से मैच कर गया, तो अब फर्स्ट केस तो चलेगा ही चलेगा, यानी फर्स्ट केस के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ के साथ सेकंड, थर्ड और डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद ही कंट्रोल स्विच से बाहर आएगा। लेकिन दोस्तों, हमने तो स्विच इसीलिए यूज किया था कि ये मल्टीपल ऑल्टरनेटिव में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को ही एग्जीक्यूट करता है, लेकिन यहाँ पर तो सारा खेल ही अलग हो गया है। यहाँ पर तो तमाम केसेस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशंस से बचने के लिए स्विच आपको एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है ब्रेक के नाम से, जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ उसी केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसकी वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगी। आपको करना क्या है, सिंपली हर केस के आखिर में ब्रेक के कीवर्ड को लगा देना है। और दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा,
दोस्तों ब्रेक को हम आगे लूप्स में भी पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको लूप से बाहर आना हो तो आप लूप के आखिर में ब्रेक लिख देते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर आना हो तो आप हर केस के आखिर में ब्रेक लिख देंगे। अब जिस भी केस के कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कर जाएगी तो उस केस में जो कोड लिखा है, जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी। और क्योंकि अब कोड के बाद आपने ब्रेक लिख दिया है तो अब ये नेक्स्ट केस के कोड को एग्जीक्यूट करने के बजाय डायरेक्ट स्विच के केस से ही बाहर आ जाएगा, यानी इस स्विच के पूरे स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों ये स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करते हैं। अब आइए इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये स्विच अपनी एक्सप्रेशन को देखेगा तो जो भी कॉन्स्टेंट इस एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगा तो फिर स्विच उसी केस के ऊपर जंप कर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर केस वन जो है ये मैच कर जाता है, यानी अगर इस ये ट्रू हो जाता है, ये मैच कर जाता है, तो फिर इस केस के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स रन होंगी और रन होने के बाद ब्रेक की वजह से ये डायरेक्टली स्विच से ही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर केस वन जो है वो इस स्विच की एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता तो फिर ये केस टू पर जंप करेगा। अगर केस टू मैच कर जाता है तो ये इसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक की वजह से ये इस स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और इस तरह से केस थ्री और केस एन तक, यानी जितने भी केसेस आपके पास मौजूद होंगे, ये उन तमाम केसेस की वैल्यूज को मैच करेगा। जिस केस की भी वैल्यू मैच कर जाएगी ये उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करते ही ये स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और याद रखिए इन तमाम केसेस में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक केस की वैल्यू ही ट्रू हो सकती है, किसी एक केस के कांस्टेंट की वैल्यू ही एक्सप्रेशन से मैच कर सकती है। और अगर किसी भी केस के एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट से मैच नहीं करेगी तो फिर डिफॉल्ट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्विच के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से स्विच का फ्लो चार्ट काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ रूल्स हैं जो कि स्विच को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको ध्यान में रखने। और मैं जो पहला रूल है वो ये है कि जो भी कॉन्स्टेंट आप केस के आगे लिखेंगे वो हर केस के लिए यूनिक होना चाहिए, यानी हर केस की कॉन्स्टेंट वैल्यू दूसरे केस की कॉन्स्टेंट वैल्यू से डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप देखें तो हर केस के आगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो एक दूसरे से अलग है। और दोस्तों इसका रूल नंबर टू देखिए, दोस्तों केस के आगे लिखी गई कांस्टेंट वैल्यू या तो इंटीजर कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर कोई करेक्टर कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इस तरह से कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या फिर कोई करेक्टर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिए कि आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं रख सकते, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं रख सकते। और डियर फ्रेंड्स ये रूल नंबर थ्री देखिए कि आप हर एक केस के आगे सिर्फ कांस्टेंट ही लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर केसेस के आगे हमने एक्सप्रेशन लिखी है, a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एक एक्सप्रेशन है, a ग्रेटर देन b एक एक्सप्रेशन है। तो आप इस तरह से केसेस के आगे एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिख सकते हैं और वो कांस्टेंट भी या तो इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए या फिर कोई करेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। जबकि दोस्तों आप इस स्विच के अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं जिसमें पहले से वैल्यू स्टोर हो, कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये था स्विच। अब आइए दोस्तों एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर की तरफ से एक करेक्टर इनपुट करेंगे और स्विच की मदद से वो प्रोग्राम चेक करेगा कि इनपुट करदा करेक्टर वॉवल है या नहीं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वॉवल अल्फाबेट 5 होते हैं, a e i o u, तो अगर इनपुट करदा करेक्टर इनमें से कोई एक होगा, यानी a e i o u में से कोई एक होगा, तो फिर आपका स्विच प्रिंट कर देगा कि ये वॉवल अल्फाबेट है, वरना प्रिंट कर देगा कि ये वॉवल अल्फाबेट नहीं। दोस्तों ये आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है और इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक ch वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप 4 है। अब हमने printf लिखा है और printf स्टेटमेंट में हमने लिखा है enter an alphabet, क्योंकि हम करेक्टर जो है वो यूजर की तरफ से इनपुट करदा करेक्टर लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले बताएंगे कि यूजर को कि आपको क्या इनपुट करना है, आई आपको अल्फाबेट इनपुट करना है, कोई नंबर इनपुट करना है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई चीज इनपुट करें तो आप यूजर को बताएं कि यूजर को क्या चीज इनपुट करनी है।
इसके बाद हमने इनपुट करने के लिए हमने scanf फंक्शन को यूज किया है। scanf के अंदर हमने परसेंट सी यूज किया है क्योंकि हमें करेक्टर को इनपुट लेना है और इस करेक्टर को इनपुट लेने के बाद हमें क्योंकि ch वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है तो यहाँ पर हमने ch वेरिएबल का एड्रेस दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा स्विच स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है स्विच और स्विच के अंदर हमने ch वेरिएबल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विच के केस के अंदर आप वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं, कोई कॉन्स्टेंट भी दे सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल हमें इनपुट करना है हमने उसका नाम दे दिया है। अब दोस्तों जैसे ही आप वेरिएबल को एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को यानी इस स्विच के अंदर मौजूद वैल्यू को मैच करवाएगा इस केसेस के कॉन्स्टेंट से। और यहाँ पर हमने 5 केसेस लिए हैं। केस ए यानी केस लिखा है, उसके आगे हमने कॉन्स्टेंट लिखा है ए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर करेक्टर्स को मैच करवाना चाह रहे हैं। तो याद रखिए करेक्टर के लिए करेक्टर को हम हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने केस लिखा, केस के बाद हमने उस कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। अगर तो आपका इनपुट करदा अल्फाबेट जो है वो ए है तो फिर ये प्रिंट करवा दे इट इज अ वॉवल, और वॉवल प्रिंट करवाने के बाद ये ब्रेक लिख देंगे। और ब्रेक से क्या होगा, आप अपने स्विच के स्ट्रक्चर से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। यानी अगर ये केस मैच कर जाता है, इस केस के आगे लिखा कांस्टेंट मैच कर जाएगा इस सीएच वेरिएबल की पड़ी के अंदर पड़ी वैल्यू से, तो फिर ये जो प्रिंट एफ है ये चलने के बाद आपकी आपका कंट्रोल इस स्विच से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये मैच नहीं करता तो फिर ये इस केस 2 से इस केस 2 की कांस्टेंट से मैच करवाएगा इस सीएच की वैल्यू को, इसी तरीके से फिर केस 3 की वैल्यू को मैच करवाएगा, फिर केस 4 की वैल्यू को मैच करवाएगा और फिर केस 5 की वैल्यू को मैच करवाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि वॉवल्स जो हैं हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर हमने केसेस भी 5 लिखे हैं। इसके बाद क्योंकि ये तमाम वॉवल्स हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे इट इज अ वॉवल। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अल्फाबेट इनपुट करते हैं जो कि वॉवल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इस केस में से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इनपुट करदा वैल्यू से मैच नहीं करेगी। तो फिर आपका कर्सर आपका कंट्रोल जंप करेगा इस डिफॉल्ट वैल्यू पर और डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिफॉल्ट के अंदर हमने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट लिखी है इट इज नॉट वॉवल, यानी जो आपने अल्फाबेट इनपुट किया है क्योंकि वो ए ई आई ओ यू में से कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो अगर इसके अलावा आपने कोई अल्फाबेट इनपुट किया है तो वो कोई वॉवल नहीं है, तो वो प्रिंट करवा देगा इट इज नॉट वॉवल। उसके बाद आपने यहाँ पर इस स्विच के स्ट्रक्चर को इस कर्ली ब्रेसेस की मदद से बंद कर दिया। अब दोस्तों हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद यहाँ पर इसने हमसे पूछा है एंटर एन अल्फाबेट, यानी हमारी प्रिंट एफ वाली इंस्ट्रक्शन चली है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं एक वॉवल, हमने यहाँ पर लिख दिया है ई। जैसे ही हमने ई लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट हो गया है इट इज अ वॉवल। यानी दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही आपने ई लिखा तो इस स्विच के अंदर वैल्यू आ गई है ई। अब ये इस ई को मैच करवाएगा इस केसेस के आगे लिखे कॉन्स्टेंट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस ई की वैल्यू जो है वो मैच कर जाएगी आपके इस सी एच वेरिएबल में पड़ी वैल्यू से और फिर ये प्रिंट करवा देगा इट इज अ वॉवल। और प्रिंट करवाने के बाद क्योंकि आपने ब्रेक लिख दिया है इसी वजह से अब ये बाकी की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट आपके स्विच के स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों हम कोई नॉन वॉवल अल्फाबेट एंटर करके देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जेड लिख देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ गया है इट इज नॉट वॉवल, क्योंकि यहाँ पर अब इस केसेस में पड़ी वैल्यू में से कोई भी वैल्यू इस सी एच वेरिएबल में पड़ी वैल्यू से मैच नहीं करी है, इसीलिए अब ये डायरेक्ट जंप करेगा इस डिफॉल्ट पर और डिफॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिफॉल्ट के अंदर एग्जीक्यूट है इट इज नॉट वॉवल, तो ये इस इट इज नॉट वॉवल को प्रिंट करवा देगा। इस तरह से दोस्तों ये स्विच का स्ट्रक्चर काम करता है, यानी ये इस स्विच के आगे लिखी गई वैल्यू को इस केसेस के आगे लिखी गई वैल्यू से मैच करता है और जिस भी केस की वैल्यू मैच कर जाएगी ये उस केस के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और याद रखिए आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट भी केसेस में लिख सकते हैं, बल्कि दोस्तों आप यहाँ तक के केसेस के अंदर इफ एल्स स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। यानी ये जो केसेस की स्टेटमेंट है इसमें आप इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप लूपिंग भी यूज कर सकते हैं, यानी आप इसमें कई तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन केस के आगे आपको सिर्फ और सिर्फ कोई कांस्टेंट वैल्यू ही देनी है, वो कांस्टेंट वैल्यू कोई इंटीजर भी हो सकता है या फिर कोई करेक्टर भी हो सकता है। तो दोस्तों
जहां पर हमारा स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में हम लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स इन इफ स्टेटमेंट देखेंगे, यानी अभी तक आपने इफ स्टेटमेंट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही लिखते हुए देखा है, तो अब हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी अपनी इफ स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।